गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर नमः अखंड मंगलाकार व्याप्त वेन चरा चर तरपदर्शित श्री श्री गजाराज श्री धर्म प्रचारक श्री हरि ओम जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज यज्ञ की महाआरती का अंतिम दिन है। जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो, 9 दिन के पूजा पाठ में वैसा भाव लेकर के आरती करें। हे माँ भगवती, हे देवादिदेव महादेव, हमारी त्रुटियों को क्षम्य करना और हमें ऐसा वर दो कि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य संकट में ना रहे। सब जो प्रदर्शित करने आ जाएंगे, जो भी दूर सुदूर से आए हैं सब जो प्रदर्शित करने आ जाएंगे। आके बड़ी नारी लाके तेरी Thank you.
हर 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 महादेव। बोले गल
पिता में अवस्थान हो जिस रात नाम हिरणा चित्त से जो हाथ मत बोले से बात था उस जुमा था हाथ मार मुआ भी सकते आज जिंदा बो जिंदा जना हरि ओ एक दंडा है विद्यमान है वह दंडा है देवा है नारायण है विद्यमान है वह देवा है देवा है महालक्ष्मी जब विद्यमान है विष्णु बद्दे जब देवा है लक्ष्मी प्रसोदया हरि ओ तदपुरुषार विद्यमान है महादेवा है देवा है। हम वायुमंडल शुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं। वायु यदि शुद्ध रहेगी ये जो खेल खेलने सुबह उठते हैं और जो शाम को खेलने आते हैं उनको ये हवन यज्ञ ये नहीं अच्छी लगती, इसी के कारण अभी निकल रहे हो। वातावरण शुद्ध है इसलिए निकल रहे हो। वातावरण अशुद्ध हो गया तो फिर घर में घुस जाओगे, फिर वही कोरोना आएगा और फिर घर में घुसोगे। इस वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए अपने अपने घरों पर हवन जरूर करो, जागृत हो जाओ, नहीं तो प्रलय कोई रोक नहीं सकता है। इसको ऑडियो बना लो चाहे वीडियो बना लो, क्यों आबादी जब 30-35 करोड़ थी, क्षेत्रफल इससे कहीं ज़्यादा था, आबादी हो गई 135 करोड़, क्षेत्रफल और कम हो गया। वो 100 करोड़ की आबादी और बढ़ी तो उसकी गर्मी किधर जाएगी, गर्मी बढ़ेगी, ग्लेशियर फटेंगे, प्रलय सुनिश्चित है। केवल यज्ञ ही एक ऐसा सरल एवं सर्वोत्तम उपाय है जिसके माध्यम से सृष्टि के संतुलन को बनाया जा सकता है, तभी ये प्रलय रुक सकता है, अन्यथा कोई ताकत नहीं जो प्रलय को रोक दे। और जानते सब हैं इसको, इसको समझते सब हैं, लेकिन ये कर्म है इसलिए कर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह इसको करना पड़ेगा इसलिए थोड़ा मुश्किल कार्य है। यदि आप थोड़ा ठान लेंगे इसको कि नहीं प्रातः काल में हम जब भी उठेंगे अपने परिवार के साथ कुछ नहीं करेंगे, पुण्य रखेंगे, उसमें दो गोसे डालेंगे, अग्नि प्रज्वलित करके चार आधा सा होती ओम नमः शिवाय करके डाल देंगे, उसका धुआं घर में घुसता रहेगा, तो विश्वास करो तुम्हारे घर में कोई अकाल महामारी प्रवेश नहीं कर सकती है। और आज मैं आपको फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं, आपकी आप केवल हवन में मेरे साथ रहिए, यज्ञ मेरे साथ करिए और बस यज्ञ के साथ फल लीजिए। आप भजन करिए भावपूर्वक शुद्धता के साथ, यज्ञ का फल लीजिए, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कार्य करिए, लेकिन भजन जरूर करते रहिए, हवन जरूर करते रहिए। सभी लोग आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे। देखो सुंदरी करवाती है, ये सच है, प्रमाणिक एवं सत्यापित है। रोज यज्ञ कर रहे थे, रोज के बाद हमको वहां आना था, धनाना यज्ञ कर रहे थे, सोचा अब क्या करूं, फरीदाबाद लगेगा, यहाँ लगेगा, वहाँ लगेगा, फिर मन में आया कि चलो पहले धनाना यज्ञ करूं, फिर देखा जाएगा, इसी से कोई न कोई यज्ञ निकल जाएगी। मैं वहाँ यज्ञ कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी, मैं मेहता जी को जानता नहीं था, संयोग से परशुराम ने काट दिया था, ये गए आरती में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मिलना मुश्किल, मैं कोई भगवान नहीं हूँ ना भगवान बनाइए, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, हाँ मेरी अपनी एक साधना है, मैं वही करना चाहता हूँ बस, तो इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं, थोड़ा परेशानी होती है, थक जाता हूँ, फिर उसके बाद नागराज की स्तुति में चला जाता हूँ, कुछ देर वहाँ स्तुति करनी पड़ती है, फिर थक जाता हूँ, तो वहाँ मिल नहीं पाए। संयोग से जगदीश से मुलाकात हो जाती है, जगदीश से बातचीत होती है और जगदीश से बातचीत होने के बाद तो उनके घर आते हैं, तो एक हमारे साथ और भी कई लोग रहते हैं, यहाँ नाना प्रकार के लोग हैं। इसलिए हमने कहा कि समीक्षा आरती क्या होती है, समीक्षा आरती अब आपके समझ में आ गई होगी कि जितने कचरे हैं वो छट जाते हैं, उसमें केवल हीरे बचते हैं समीक्षा आरती में, समझ गए, जितने कचरे हैं वो छट जाते हैं सिर्फ समीक्षा आरती में, केवल हीरे बचते हैं, वास्तव में जो उनके पात्र हैं वही बचते हैं।
बोलो एक नारायण भगवान की, बोलो देवाद्य महादेव की। वहाँ आरती में जब मिलते हैं मेरे साथ और लोग कहते हैं उनसे यज्ञ कराने की बात करते हैं, वो कहते हैं 4-5 करोड़ खर्चा आएगा। मेहता जी साइलेंट हो गए, बिल्कुल शांत। 4-5 करोड़ का नाम आते ही बिल्कुल शांत हो गए, कुछ बोले ही नहीं, जिसे बर्फ पड़ गई हो। संयोग से जगदीश के यहाँ गए, जगदीश के यहाँ बातचीत हुई, बोले महाराज यज्ञ तो करा नहीं सकता, वो तो बहुत मुश्किल काम है और उसमें तो बड़ा खर्चा है। तो हम कहे कितना खर्चा बताया, बोला 4-5 करोड़ बताया। हमें किसने बता दिया, तो बोला वो साथ में बाबा जी आए थे। हम कहे हमसे तो पूछ लेना चाहिए था। तो बोला जैसे 21 कुंडली में कितना आता है, तो हमने कहा आ जाता होगा जो भी आ जाता है 12-14-15 लाख, लेकिन 21 कुंडी शोभा नहीं देता, कम से कम 54 कुंडी। तो जैसे उनको मैंने 21 कुंडी खर्चा बताया, तो इतनी देर में आदमी दिमाग लगा गया कि 12 दूना 14, 14 दूना 28, ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला के 35-40 लाख में हो जाने वाला होगा। तो तुरंत कहा हो लिया महाराज, हो लिया, जैसे ऐसा लगा कि भार उठ रहा हो। तो मुझे हंसी छूटी, एक साथ में 2-3 बार कहा हो लिया महाराज, हो लिया, अब तो कर लेंगे, इतना तो कर लेंगे। तो बड़ा अद्भुत लगा। तो उनका महाराज उन्होंने बता दिया 4-5 करोड़, तो इसलिए मैं थोड़ा डर गया था। तो इतना बताया होता तो मैं तो हाँ कर लेता, लेकिन उन्होंने ज्यादा बता दिया था। तो खैर वहाँ यज्ञ निश्चित हो जाती है, यज्ञ से यज्ञ मिली है, ध्यान रखना। ये सोची समझी यज्ञ नहीं थी, अब भी न समझ में आए तो भगवान को नहीं समझा सकता कोई, क्योंकि मैं धनाना यज्ञ कर रहा था। ये योगेश्वर पहलवान ये भी गए थे, धनाना यज्ञ कर रहा था, गोहाना का तो कहीं नामो निशान नहीं था उस समय, ठीक ना। लेकिन अचानक जब ये मिलते हैं तो उसी यज्ञ में से यज्ञ निकल जाती है, यही कहते हैं योग संयोग और सुयोग। सोची समझी यज्ञ नहीं थी, इसीलिए मैं बार बार बोलता चला रहा था कि कहीं से भी राजनीति से प्रेरित नहीं है, और ना तब चुनाव डिक्लेयर था, कुछ डिक्लेयर नहीं था उस समय, सिर्फ यज्ञ हो रही थी। ये तो आधा यज्ञशाला भी बन गई थी तब चुनाव डिक्लेयर होता है, और पोस्टर बैनर सब पहले निकल जाते हैं, चुनाव देख करके यज्ञ नहीं की गई थी। यज्ञ तो वास्तव में यज्ञ मातृभू सुंदरी करवाती है, ये सत्य है। वो गए, आरती सुना, उनको अच्छी लगी, उन्होंने सोचा क्यों ना एक यज्ञ कर लें अच्छा सा। और संयोग से ये भी सत्य है, ये आकाश थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ रहती है, तो बस केवल आकाश के लिए अगर उन्होंने कभी मुझसे कुछ कहा तो यही कहा कि महाराज जी केवल आकाश पर ध्यान रखिए, इसकी इसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता, इसका स्वास्थ्य ठीक रहता, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है सब ठीक है, भगवान ने दिया है, बहुत कुछ दिया है, यही एक सत्य है। इसीलिए मैं बार बार बोलता रहा कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, आप सिर्फ अपना कर्म करिए भावपूर्वक, निश्चित रूप से आपको सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होगी। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि इस बच्चे को जरूर आशीर्वाद दीजिए, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और अपने कार्य में व्यस्त रहे। बोलो यज्ञ भगवान की। पहला जो था 28 तारीख को कलश यात्रा थी, तो और आचार्य जी ने बोला कि इसको बहुत भव्य करना है। हमने पूछा भव्य करने का मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला कि जितनी से ज़्यादा महिलाएं आ सकें, इसका मतलब भव्य करना वो है। हमने बोला नंबर क्या है, तो उन्होंने बोला जितना कर सकें। तो हमें एस्टिमेटेड था कि 200 के करीब महिलाएं आएंगी, कलश यात्रा उठाएंगी और एक चक्कर मार के वापस स्टेडियम में आना है। मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है, 500 से ऊपर कलश, 500 से ऊपर कलश उठाए गए। उसके साथ ऐसी बहुत महिलाएं साथ चली जिनके पास कलश नहीं पहुंच सका। तो 600-700 महिलाएं उस दिन कलश यात्रा में सभी ने भाग लिया, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी महिलाओं को जो उस दिन कलश यात्रा में आए। उसके बाद मेरे पिता श्री सुनील मेहता जी और माता श्री श्रीमती नीलम रानी जी, उनका एक संकल्प था कि यज्ञ में सुबह 7:30 से 10 जो युगल बैठेंगे उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, क्योंकि यज्ञ सबका यज्ञ है,
ये अकेले का यज्ञ नहीं है, पूरे गोहाना ने इस यज्ञ को करवाया है। 60 से ऊपर सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं इससे जुड़ी हैं, जो कि अपने आप में ही इतिहास है। तो हमने बोला इस यज्ञ में जो भी आहुति डालना चाहेगा, चाहे उसके पास कुछ हो पैसा या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, जो भी जुड़ना चाहे अपना नाम लिखवाए, वो निशुल्क आके 7:30 से 10 बजे यज्ञ कर सकता है। हमारा टारगेट था 54 कपल रोज के नए कपल, जैसे गुरुजी ने बताया कि दो दो बैठे हैं, हर रोज 29 तारीख से कम 80 कपल रोज बैठे हैं, और 5 तारीख को तो 150 कपल हो गए थे, और आज पूर्ण आहुति के समय जितने भी कपल्स ने, जितने भी युगलों ने आहुति डाली थी पिछले 9 दिन में, वो सभी आए, तो 1000 से ऊपर लोग थे आज कुंड में जिन्होंने आहुति, पूर्ण आहुति डाली है। इतना भव्य और ऐतिहासिक जो आप सब लोगों ने महायज्ञ करवाया है, उसके लिए बहुत 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 दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। ये आप सबसे, सबके मिलने से हुआ है, ये बिना उसे नहीं हो सकता था। मैं दोबारा एक जितनी भी 60 संस्थाएं हैं उन सबको पूर्णतः धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया इस चीज़ में, और आप सभी भक्तजनों का जिन्होंने ये तप किया सुबह 5 से 6 आकर, 7:30 से 10 आकर, 4 से 6 कथा आकर, और 8 से 11 क्या 12:30 भी बज गए कभी कभी आरती में, तो ये एक तप ही है जो आप सब लोग बैठे रहे, पेशेंस से सुनते रहे और गुरु जी का आशीर्वाद लेते रहे। मैं आप सबके सामने एक बार पुनः नतमस्तक करना चाहूँगा, आप सभी का धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे कमल जी हैं टेंट वाले, उन सब उनका भी धन्यवाद। हमारे साउंड तरुण राजपाल जी हैं, उनका धन्यवाद। लाइट के हमारे काकू जी हैं, उनका धन्यवाद। हमारे खाने के लिए जो व्यवस्था की है बिल्लू जी ने, उनका धन्यवाद। और ऐसे बहुत सारे लोग जिनका नाम हम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन जिन्होंने इस यज्ञ में अपना तन मन धन लगा दिया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, गुरु जी की आज्ञा से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अगर आप हाँ भरें तो दोनों हाथ खड़े होकर हाँ बोल देना। गुरुजी, हम आपका 108वां महायज्ञ करवाएंगे, 108 कुंडिया करवाएंगे, जो करवाना चाहेगा वो हाथ ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथ और हाँ बोल दीजिए एक बार। गुरुजी को विश्वास दिला दीजिए कि 108वां यज्ञ जो गुरुजी ने संकल्प लिया है कि अपने जीवन में 108 यज्ञ करवाएंगे, 108वां गोहाना में होगा और 108 कुंडिये करवाएंगे और सबके सहयोग से करवाएंगे। इस बार जैसे सब लोगों ने सहयोग दिया है, इससे बढ़ चढ़कर 10 गुना 20 गुना 30 गुना लोग जुड़कर इस महायज्ञ को करवाएंगे। गुरुजी, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इसके साथ मैं सभी संस्थाएं जिनके भी प्रतिनिधि एक एक ऊपर आ सकते हैं ऊपर आ जाइए। हम आखिरकार गुरु जी का धन्यवाद करना चाहेंगे पुष्पों के साथ। त्रिपुरा पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आज्ञा चाहूंगा कि ये मोमेंटो वाला कार्यक्रम शुरू करो। नाम रोशन किया, जोरदार तालियां इसके लिए आकाश मेहता जी सम्मानित करेंगे। इसके बाद गोवाना की जो भी संस्थाएं, सभी संस्थाओं जिन्होंने को बस में कर लिया, लिया है तेरा मन को बस में कर लिया।
यज्ञ पत्रा चैनल से, ये सब अभी व्यवस्था धीरे धीरे करके ये कुछ दिनों में अच्छी कामयाबी हासिल करेगा। नहीं ज्यादा धन्यवाद दोगे तो सवेरे मनमाने तो कुछ उल्टा छाप जाए, इसलिए ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए। जोरदार ताली बजा दे इनके लिए। अल्लाह के बेचारे ये तलिए से खुश हो जाते हैं, बाकी कुछ लेंगे नहीं। कौशिकी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, किरण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी ब्राह्मणों का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। मेरे ख्याल से एक मोमेंटो तो भेंट करने का हक बनता है इनको सबको भी, तुम्हारे द्वारा भेंट कर देना चाहिए। गुरु अग्रण भगवान की जय हो, महादेव की जय हो, हमारे जोगांदे गोष्ठि मर्दाना सुगंधिं पुष्टिवर्धनं कुर्वाणि।
रुकने बावंदना यत्योर मुचे अमावृता ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वन्दना मृत्योर्मुचे अमावृता ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वन्दना मृत्योर्मुचे अम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनम् मृत्योर्मोक्षीयमावृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् स्वयं के आधार प्राप्त की उसमें शासन सत्ता का कोई योगदान नहीं रहा ये सत्य है। बोलो यज्ञ भगवान की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कई दूसरा अपने कार्य से कहीं ज्यादा अधिक चिंतन यज्ञ के प्रति किया करती है। हम सभी मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती से शक्ति दे इसे स्वस्थ रखे जिससे धर्म कार्य करती रहे। बोलो देवाद्य महादेव की जय हो। और बुला लो उनको सब आकाश जी यहाँ पर उपस्थित हमारी जो यज्ञ कराता है वो देव स्वरूप होता है। प्रार्थना करते हैं कि उसकी ऊर्जा शक्ति सदैव बढ़ती रहे जिससे भविष्य में भी ऐसे ही धर्म कार्य करते रहें और धन धान्य से परिपूर्ण रहें। सर्वाबाधा विरण मुक्तो धन धान सुधान्वित मनुष्य मत प्रसाद भविष्य ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमावृतात् भोले यज्ञनारायण भगवान् की गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव ये माति पुरुषोत्तरी Thank you.
सावधान है और मोमेंटो तो हमारे भाई वो कहाँ है सुनी है मोलम गुरु बनाम मंत्र मोलम गुरु रमा
मोक्ष बोला गुरु कृपा तुंज महादेव राय वाम शरणागता जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुदेव विशेष रूप से जो 7 दिन 9 दिन कथा सुनाए हैं, खर्चा कर प्रकृति हमको भोजन नहीं दे सकती, साधु बने रहने का कोई हक नहीं, हमको छोड़ देना चाहिए। ये तो गृहस्थ जीवन में होता है कि बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो कमा और हमको खिला। अगर प्रकृति हमको भोजन नहीं दे सकती तो साधु बने रहने का कोई हक नहीं। तो मैंने सवेरे सोचा कि यार ये खर्चा पूछ रहे थे, तो देखा तो बंदर हमारे यहाँ गुलर है, गुलर का पेड़ है, बंदर उस पर बैठा हुआ था और पक्की पक्की गुलर खा रहा था, कच्ची कच्ची नीचे गिरा रहा था। तो मैंने गौरव को बुलाया, हमने गौरव एक काम करो, ये गुलर उठाओ और इसको बॉयल करो और जरा नमक डाल के इसको बनाओ। बनाया वो सुंदर लगी, पहले उसको पाया, शुगर बढ़ी हुई थी। सामने जामुन का पेड़ है, खूब मस्त, बहुत बड़ा पेड़ है, गए हैं पहलवान वहलवान भी सारे लोग गए हैं, जानते हैं, खूब बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है। वो सारा दिन गिरती रहती है, खूब बढ़िया, दिन भर में 7-8 बार जामुन बिनवाया और जामुन पाया, पेट भर गया, उससे शुगर चली गई, गोलर खाया उससे भूख मिट गई, महादेव का पानी पिया जो स्रोत का है जिसका नाम भी महादेव पानी है, महादेव का पानी पिया भूख मिट गई। सवेरे जज साहब से कहा कैसा है, हमको तो जरूरत है नहीं, नीचे जरूरत हो तो लगा देना। तो बोला कि महाराज जी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको फिर वस्त्र की भी तो जरूरत पड़ेगी, अंत में भोजन तो हो गया, वस्त्र का क्या करेंगे। हम कहे आपने ध्यान नहीं दिया, जहाँ गुफा के अंदर उसकी भी हमको जरूरत नहीं होती है, वहीं तक आपकी सेवा है, गुफा के अंदर इसकी सेवा नहीं है, इसलिए आपकी कोई जरूरत नहीं, हमको देना है तो नीचे दे दीजिएगा, उसमें ब्राह्मण वगैरह खाते रहते हैं। इसलिए कभी जंगल में हमको तो माँ प्रकृति भोजन दे देती है, लेकिन ये सब समाज में रहते हैं, महाराज जी हैं हमारे, ये भी साधु समाज के लिए दौड़ते रहते हैं इधर उधर, सब समाज में काम करते रहते हैं, ये कथा करती रहती हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा दान दक्षिणा मिलता रहता है, तो उनका डीजल पेट्रोल कहीं ना कहीं से चलता रहता है, वो समाज में चलते रहते हैं, कुछ धर्म कार्य करते रहते हैं। महाराज जी को देखने के बाद तो नारद की याद आती है, हर जगह वो मिलते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। और नारद का मतलब हंसने वाला सब्जेक्ट नहीं, नारद का मतलब जिसकी बात रद्द ना हो वो है नारद। आप नारद का मतलब गलत समझते हैं, नारद ने काम किया है, उन्होंने ही एक दूसरी जगह सूचना पहुंचाया, सचेत किया, हर समय समय पर वो खड़े हुए धर्म के लिए, उन्होंने बताया कैसा नहीं से करना चाहिए, तब धर्म बचा। तो कहने के तात्पर्य है कि धर्म के रूप में कभी सिसाना, कभी हिसार, कभी कहीं अपनी वाणी से धर्म का प्रचार कर रहे हैं, यही साधुता का काम है, कुछ तो होना चाहिए ना। अगर कुछ नहीं है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, साहित्य संगीत कला तीनों से जो हीन है, साक्षात धरती पे बिना पूछ के पशु के समान है, ऐसा ही श्लोक और शास्त्र कहता है, जो कहता है वही मैंने बोल दिया, कोई गुनाह नहीं किया। बोलो यज्ञ भगवान की, बोलो देवाद्य महादेव की। अब सभी लोग सम्मान करेंगे, सच्चिदानंद रूपाय वेसो तो पत्यादि हेतवे तावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देव महादेव की, अपनार भगवान की, गुरुजी सभी देवताओं की, गुरुजी मैं समझता हूँ आगे जो बोलने वाले हैं, मैं पहले बता देता हूँ, मैं उसके लिए नहीं तैयार हूँ। अच्छा भाई बेटा मेरी बात ध्यान सुनो, मैं ऐसा कुछ नहीं है, आपका सम्मान मेरे लिए सब कुछ है, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आप यज्ञ करते रहिए, यकीन मानिए, विश्वास मानिए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही है। सम्मान क्या है तुम्हारा, सम्मान तो दिल से तुम जितना देते हो मेरे लिए वही पर्याप्त है,
आवत ही हर से नहीं, कैसे कहा गया है गोस्वामी तुलसीदास ने हमारी ख्याल से कहा है, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्ने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे ने, कंचन बरसे में। कहने का मतलब यह है कि चाहे बादल सोना बरस रहा हो, सोने की बरसात हो रही हो, लेकिन आवत ही हर से नहीं, यदि आने के बाद आंखों में प्रसन्नता न हो, उत्साह न हो, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्ने, तुलसी वहां जाइए चाहे कंचन। अगर उनके मन दिल में प्रसन्नता नहीं है, आंखों में प्रसन्नता नहीं है, तो वहां नहीं जाना चाहिए। आप वास्तव में गुहाना हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इसमें से कितने लोग रामेश्वरम चलना चाहते हैं बताओ, कितने लोग ऐसे दमदार हैं जो रामेश्वरम आएंगे, बोलो रामेश्वरम कौन कौन चलेंगे? हाँ तो इसे मत उठा देना, रामेश्वरम बहुत दूर है, 3000 किलोमीटर है। हाँ बस हाथ उठा देती हर जगह, रामेश्वरम कौन कौन चलेंगे सोच समझ के हाथ उठाना, 3000 किलोमीटर है, तो हाथ उठा लो फिर। और हाथ जो उठा लेंगे तो ये भी ध्यान रखना फंस गए फिर वहां तक पहुंचना नहीं तो जितना पुण्य करने निकले उससे कई गुना पाप मिल जाएगा। साधु के सामने झूठ से भी इधर उधर मत बोलना, साधु के सामने बोल दिया समझो संकल्प ले लिया और वहीं फंस गए। जितने लोगों ने हाथ उठाया है सभी लोग रामेश्वरम पहुंचेंगे। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो, महादेव महादेव की जय हो। पुष्प नहीं तो मैं सिर्फ एक अनुरोध है कि जो जो गुरु जी को सम्मान देना चाहते हैं अपने स्थान पे खड़े होकर एक बार तालियां बजा दीजिए। तालियां बजते रहनी चाहिए, जितना तालियों का जोर होगा उतना आप सम्मान दे रहे हैं गुरु जी को। हरि मातृपुरेश्वर बोलो तेरी जय जय चहो, मातृपुरेश्वर बोलो तेरी thank you.
Thank you.
सबकी तरफ से कहो मांग लेता हूं, लेकिन क्षमा मांगने कोई जरूरत नहीं है। केला है ना, तो जिसका फल खाते हो छिलका फेंक देते हो, तो वैसे जो अच्छी चीजें यहां लगी हो फल की तरह खा लेना, और जो बुरी चीजें लगी हो छिलके की तरह फेंक देना। बाकी शेष मैंने कहा कि यहां नाना प्रकार के लोग आते हैं, यहां कितने प्रकार के लोग आते हैं, अब वो क्या करते हैं उससे मतलब मत रखिए। फलाना पंडित जी आए थे तो ये कर रहे थे, फलाने साधु आए थे तो ये कर रहे थे, ढिकाने साधु आए थे तो ये कर रहे थे, ढिकाना भगत आया था तो ऐसा कर रहा था, वो क्या कर रहा था उसके ऊपर छोड़ दो। तुम अपना काम करो, हम क्या कर रहे हैं, तुम अपने श्रद्धा भाव पूर्वक अपना भजन करो, उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। हम किसी को क्यों देखें, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो मेरे ख्याल से दूसरे की बुराई खोजने के बजाय वो पंडित ऐसे बैठा था, वो साधु ऐसे बैठे थे, वो फलाने ऐसे किए थे, वो ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे, बजाय उनके देखने के आप अपनी मस्ती में मस्त रहिए। हमको आपने देखा होगा, यही कारण है हम में आप में बहुत छोटा सा अंतर है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। वो छोटा सा अंतर ये है कि आप कुल मिलाकर के आधे घंटे जैसे एक घंटा यहाँ समय निकालते हैं, बड़ी मुश्किल में सब आते हैं कि चलो महाराज जी की आरती सुनेंगे, एक घंटे का समय निकाल लेते हैं। एक घंटे का समय निकाल लिया आपने किसके लिए, भगवान के लिए, ठीक ना। आपने 24 घंटे में एक घंटे का समय निकाला किसके लिए, भगवान के लिए। हमने जो 24 घंटे में घंटे समय निकाला वो आपके लिए, बाकी 30 घंटा उनके लिए, बस यही अंतर है। वो एक घंटा आपके लिए आते हैं, इनके लिए स्तुति आरती करो, इनके लिए प्रार्थना करो, इनका भी कल्याण हो जाएगा, इनका कल्याण हो जाएगा साथ साथ मेरा भी कल्याण हो जाएगा।
कल जो भी कहीं त्रुटि ब्राह्मणों से हुई हो, किसी अनुष्ठान में हुई हो, तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए भावपूर्वक सभी परिक्रमा कर लेंगे। सातों दिन परिक्रमा रहेगी और आप अपना नाम जितने जोड़े हैं उनके तो लिखे गए हैं, बाकी जिनको रोज हवन करना है वो भी अपना नाम लिखा देंगे। दरोगा जी उधर बैठे हैं, बाकी आकाश को ही लिखा देंगे, सीधी सी बात है, आकाश को ही लिखा देंगे। सबके घर तक कोशिश करूंगा त्रिभुज सुंदरी माता की तस्वीर और कुंड और उसके साथ में हवन सामग्री और हो सकेगा तो साथ में आरती की पुस्तक भी जाएगी। और कोशिश करूंगा कि वहां पूर्णाहुति हो, 16 को 17 को जैसे पूर्णाहुति होगी, जो बाई ईयर आएगा वो प्रसाद 16-17 तक रामेश्वरम का प्रसाद भी आपको मिलेगा। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। और निसंकोच निस्वार्थ भाव से ये कार्य करेंगे, अपना प्रसाद लेंगे, हवन करेंगे, यह कार्य धर्म का कार्य है। बाकी का जो कार्य आपका गृहस्थ जीवन का है और सारे कार्य हैं, व्यापार है, बिजनेस है, राजनीति है, वो आप अपने ढंग से करें, लेकिन धर्म में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। धर्म को सिर्फ धर्म की दृष्टि से देखना, राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखना। बोलो यज्ञ भगवान की।